वहीं कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले कांग्रेसी विधायक अब सत्ता में दोबारा आने के लिए उपचुनाव की तैयारियों में हैं और इसी कड़ी में सिंधिया समर्थक और पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे और शताब्दीपुरम रोड का उन्होंने भूमि पूजन भी किया और इसी दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ भी की। हालांकि इस दौरान कोरोना महामारी को लेकर जारी दिशा निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। 8 करोड़ 19 लाख की लागत से इस शताब्दीपुरम से और मऊ जमाड़ तक की रोड बनने जा रही है। निश्चित तौर पर इससे विकास के नए रास्ते खुलेंगे और तमाम सारे और कॉलोनियाँ कटेंगी जिससे आवास की सुविधा और बढ़ेगी। निश्चित तौर पर सभी का मकसद क्षेत्रीय प्रगति विकास है और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार प्रयासरत है। ये सौगात जो मिली है, इस सौगात से दीनदयाल नगर का विस्तार और होगा।